राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ, इससे ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। बीजेपी का असली मतलब छत्तीसगढ़ में भट्टी जमाव पार्टी हुई है। जिस सरकार हमारी महिलाओं का, नौजवानों का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का भविष्य संवारने का काम करना था, वो अब प्रदेश के कोने कोने में शराब दुकानें सजाने का काम कर रही है। यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, वो भट्टी जमाव पार्टी। राज्यपाल के आज हमने ये फैसला किया है कि आदरणीय सियाराम कौशिक जी, मैं और राजेंद्र राय साहब, हम तीनों शराबबंदी लागू करने के लिए जो आबकारी नीति 2017 राज्य मंत्री परिषद ने बैठक में पारित करी है, उस नीति के विरुद्ध सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को देंगे। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 10% विधायक, मतलब 9 विधायकों की सूचना प्राप्त हो जाएगी, तो विधानसभा के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, कार्रवाई रोककर चर्चा करानी पड़ेगी, मत विभाजन करवाना पड़ेगा। जो दल सदन के बाहर शराबबंदी की बात कर रहे हैं, वो दल अंदर क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन दे रहे हैं? उनके करनी और कथनी में ये फर्क क्यों है? मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए तो समर्थन नहीं मांग रहा हूं, अमित जोगी, सियाराम कौशिक, राजेंद्र राय खुद के लिए तो कोई समर्थन नहीं मांग रहे हैं। हम प्रदेश में शराबबंदी लागू हो इसके लिए समर्थन मांग रहे हैं, और उसमें उनका समर्थन नहीं देना। बड़े दल को बड़ा दिल रखना चाहिए, समर्थन दे ताकि हम सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर सके। मैंने सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया, पत्र भेजा, पत्र से जब बात नहीं बनी तो बियर की बोतलें भी भेजा कि ये बियर की बोतल है, अगर आपका विरोध है शराब को लेकर, शराबबंदी आप लागू करवाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्रवासियों के सामने उस बोतल को फोड़ दीजिए, और अगर आप हमारे साथ नहीं है तो जो बोतल में बियर है वो ठंडी है, उसको पी जाइए। पर इस सत्र में हम सरकार को हर रूप से, हर कानूनी वैधानिक रूप से शराबबंदी लागू करने के लिए दबाव बनाते रहेंगे।